शायद मैं पागल हूँ। दिल कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊँ, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूँ। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हाय एवरीवन, दिस इज रॉ फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक रॉक सॉन्ग कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इन क्यूबेस विथ फ्री VST। ये सिर्फ क्यूबेस में अप्लाइड नहीं है, ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। मेनली जो ये जो एपिसोड रहेगा ये मेनली फोकस्ड रहेगा इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर, डिस्टॉर्शन गिटार, हाई गेन गिटार कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, वो भी फ्री VST के साथ, वो हम लोग देखेंगे। और मैं क्यूबेस प्रो में ये कर रहा हूँ। अगर आपके पास क्यूबेस प्रो नहीं है, आपके पास FL स्टूडियो है या फिर और कोई सॉफ्टवेयर है तो भी आप कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये ड्रम्स कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं आप और इसके जो बेस गिटार्स हैं वो कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डिस्टॉर्शन गिटार्स हैं, इलेक्ट्रिक गिटार्स जो हैं वो आप कैसे। तो यहाँ पे जो प्लगइन मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड लिथालिटी। इसका जो क्लीन टोन्स है दैट इज़ वेरी गुड। तो उसको लेके मैंने जो लास्ट एपिसोड था वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग एक गाना कंप्लीट कंपोज किए थे फ्रूटी FL स्टूडियो में। तो इसका अगर मैं यहाँ पे सारे इंसर्ट्स हटा दूँ ये सुनने में कुछ ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है दैट इज़ एक्चुअली द पावर कॉर्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पावर कॉर्ड्स में कंप्लीट जो गाना है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पावर कॉर्ड्स, तो यहाँ पे मैंने पावर कॉर्ड्स यूज़ किया है। तो दिस इज सो दिस सॉन्ग इज़ इन Am। सो यहाँ पे मैंने Am का जो पावर कॉर्ड है उसके बाद ये G लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्ले किए हैं। अभी ये तो क्लीन टोन है तो इसको आपको प्रोसेस करना है। तो क्यूबेस में यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको मिलता है, दो चीज़ हैं। एक है आपका एम्प सिमुलेटर, जहाँ पे ये आप इंसर्ट में जाके एम्प सिमुलेटर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टॉर्शन में आपको एम्प सिमुलेटर मिल जाएगा। और दूसरा जो है वो है VST एम्प रैक, तो ये भी डिस्टॉर्शन के अंदर आता है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट गिटार पावर हाउस। सो अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग अगर नहीं भी है, अगर आपके पास ऐसा कोई प्लगइन है जो क्लीन गिटार का टोन प्रोड्यूस कर सकता है अच्छे से, वी कैन कवर द डिस्टॉर्शन पार्ट विद दिस प्लगइन्स। अगर ये सारे प्लगइन्स आपके पास नहीं है, अगर आप FL स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, हार्डकोर करके एक प्लगइन आता है FL स्टूडियो के सिग्नेचर वर्जन में आता है, जो प्रोड्यूसर वर्जन है उसमें नहीं आता। सो हार्डकोर जो वर्जन है वहाँ पे भी आप ये सेम काइंड ऑफ थिंग अचीव कर सकते हैं। अगर आप स्टूडियो 1 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक गिटार एम्प आते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग एक एपिसोड में तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई डिस्टॉर्शन प्लगइन नहीं है तो आई विल रिकमेंड दैट यू कैन एक्चुअली यूज़ एम्पलीट्यूब दैट इज़ फ्रॉम IK मल्टीमीडिया। मुझे लगता है शायद इसका एक फ्री वर्जन भी है, या फिर ऑक्टेव पॉजिटिव ग्रेड का जो बायस करके एक प्लगइन है, यू कैन यूज़ दैट। बायस प्लगइन इज़ वेरी गुड, एम्पलीट्यूड भी बहुत अच्छा है, गिटार रिग भी है नेटिव इंस्ट्रूमेंट के, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो एवरीथिंग डज काइंड ऑफ सेम थिंग। सो इफ यू हैव दिस इट्स डजंट यू डोंट नीड ऑल दोज प्लगइन्स। सो क्यूबेस में ऑलमोस्ट सब कुछ क्यूबेस के अंदर आपको मिल जाता है, देयर इज़ वेरी लेस थिंग्स विच क्यूबेस कैन नॉट डू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो एम्प सिमुलेटर है इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक मोड करके एक प्रेसेट था इसको मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ड्राइव जो था थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया है उसको। फिर क्रंच एम्प मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कैबिनेट जो है कैबिनेट 6 कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद बेस और मीड ट्रिपल थोड़ा सा मैंने चेयर खानी की है इसके साथ। तो इसको अगर मैं चला दूँ तो ऐसा कुछ साउंड आएगा। सो ऑब्वियसली मैं इसके ये साउंड के साथ मैं आई वॉज नॉट हैप्पी, सो आई इंसर्टेड द एम्प रैक। सो यहाँ पे मैं एक टोन यूज़ कर रहा हूँ, बॉल्स टू द वॉल ऑफ, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ प्री इफेक्ट्स हैं, देन वी हैव द एम्पलीफायर्स, यहाँ पे बहुत सारे एम्पलीफायर्स हैं आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द कैबिनेट्स,
अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार प्ले करते हैं तो आपको पता होगा कि एम्पलीफायर कैबिनेट क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. तो बेसिकली व्हाट आई कैन समराइज, एम्पलीफायर कैबिनेट एंड द इफेक्ट्स, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू डिजाइनिंग अ इलेक्ट्रिक गिटार साउंड. माइक्रोफोन इज देयर बट माइक्रोफोन इज लेस. तो यहाँ पे आप एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं. फिर यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, आप कोई भी कैबिनेट चूज कर सकते हैं. फिर पोस्ट इफेक्ट है यहाँ पे मिक्स द रिवर्ब अ लिटिल बिट मोर. माइक्रोफोन जो है यहाँ पे देखिए, दो माइक्रोफोन से ये कैप्चर हो रहा है, एक श्योर का SM57, दैट इज ऑब्वियस. दूसरा जो है आई डोंट नो व्हाट इज इट, आई थिंक इट्स न्यूमन. सो फिर यहाँ पे कॉन्फिगरेशन आता है, सिग्नल विल बी प्रोसेस्ड, इज इट अ मोनो और इज इट अ स्टीरियो सिग्नल, देन इट्स गोइंग टू द कुछ मैक्रो कंट्रोल्स हैं, गेन बेस मिड ट्रेबल. सो अगर चला के मैं इसको प्ले करता हूँ, देन यू विल नोटिस द डिफरेंस. तो इलेक्ट्रिक गिटार कंपोज अगर आप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मिक्सिंग ट्रिक है. अगर आपको ये मिक्सिंग ट्रिक ना भी लगे, अगर आप रिकॉर्डिंग ट्रिक बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. जो मैंने अचीव किया है वो है यहाँ पे लेथलिटी जो प्लगइन था उसका सेम मैंने कॉपी किया है. सो वन इज गोइंग टू द राइट, another one is going to the left, this one is going to the right, another one is going to the left. Then what I have done, that I have just changed the amp model in the VST amp rack. You know, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 80s rockstar करके कोई preset आ रहा था, यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा post effects में मैंने modulation किया है थोड़ा सा. Yeah, I have inserted the reverb. So ये दो अगर एक दूसरे को complement करता है, so it will sound amazing. Creating a cute stereo effect. Then we have a जगह जगह पे इसका जो kind of a break है वो आता रहता है. और यहाँ पे जाके जहाँ पे इसका chorus line आ रहा है वहाँ पे जाके holding power chords बजाता है. So that is obvious. फिर हम लोग जाते हैं drums में. Drums पे भी मैं एक free plugin use कर रहा हूँ, that is ML Power Drum. पावर की ड्रम. सो दैट इज ऑल्सो, मैंने बहुत सारे एपिसोड बनाया है इसके ऊपर. आप इसके ऊपर बीट मेकिंग यूजिंग एम एल पावर की ड्रम्स एक बहुत डिटेल्ड एपिसोड है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं. यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल्ड ट्यूटोरियल है बीट मेकिंग के ऊपर. सो व्हाट आई हैव डन इन एम एल पावर किट, दैट आई हैव यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल मुझे ग्रूव एडिटिंग करना पड़ा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ इट्स गोइंग. Listen to the drum rhythm. It's like tick 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 tick. So it's kind of a not complete. I mean, जो simple 4/4 syncopation है वो नहीं है. It's a different, little bit different syncopation. So यहाँ पे crash cymbal पे बजता रहता है. फिर ये हाई हैट पे आ जाता है, यहाँ पे जगह जगह पे ब्रेक आ रहा है. दिल कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं. तो जनरली जो ड्रम्स हैं वो ऐसा ही बजता रहता है. यू कैन इफ़ यू आर प्रोग्रामिंग ए रॉक सॉन्ग, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड आप पूरी तरह से उसका ड्रम प्रोग्राम करिए. क्योंकि जनरली क्या होता है कि पॉप रॉक, ज़्यादातर रॉक, ब्लूज़, कंट्री, यहाँ पे जो ड्रम्स हैं दैट इज़ वेरी लाइवली एंड यू नीड टू हैव द फील ऑफ लाइव प्लेइंग. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर हम लोग आते हैं जो बेस गिटार है इसके उसके ऊपर. तो यहाँ पे भी मैं फ्री VST यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ ABPL. ओके, इस सारे प्लगइन्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे दिया हुआ है. बेस गिटार के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है कैसे आप बेस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पे. वहाँ पे मैंने सारा कुछ बेस रिदम्स जो है, बेस पैटर्न्स जो है, कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारा मैंने डिस्कस कर रखा है. तो यहाँ पे द बेस इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द रिफ ऑफ द इलेक्ट्रिक गिटार. डेफिनेटली इट ऑल्सो फॉलोज द किक, बट मोस्टली इट फॉलोज द रिफ. ओके, सो बेस को देखिए, अगर हम सुनते हैं तो ऐसा जाएगा. अगर हम सोलो बेस सुनते हैं, जो कोरस लाइन है वहां पे जाके इसका तक 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 तक
का इशारा, कौन हर लम्हा पुकारा। सो दैट इज हाउ द बेस इज गेटिंग प्रोग्राम्ड। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट है नहीं। अगर आपके पास एक थ्री पीस या फोर पीस बैंड है, दिस काइंड ऑफ सॉन्ग इज़ परफेक्ट फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने और एक चीज़ डाला है जो है एक ऑर्गन। ऑर्गन का जो साउंड है हेलियन सोनिक से मैंने लिया है, दैट इज़ ये क्यूबेस एसी, हेलियन सोनिक एसी जो है क्यूबेस प्रो या फिर क्यूबेस के जो एलिमेंट्स वर्शन है उसके साथ भी आता है। क्लीन कॉम्बो ऑर्गन समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कोरस लाइन जा रहा है सिर्फ वहाँ पे ही आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा फैंसी प्ले नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रो मैंने प्ले किया था शायद। आई हैव केप्ट दिस प्रोजेक्ट वेरी सिंपल सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एंड एवरीवन कैन गेट स्टार्टेड विथ म्यूजिक प्रोडक्शन। जो वोकल्स हैं मैंने वन शॉट में रिकॉर्ड किया था। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि दिस इज़ अ वेरी मिनिमल प्रोजेक्ट, और आप देख सकते हैं कि जो साउंड्स हैं उसको मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ VST एम प्रैक है और कुछ भी नहीं है। ML पावर की ड्रम्स जो है यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। वोकल्स जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शायद इसको ग्रुप ट्रैक में मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, दिस इज़ अ ग्रुप ट्रैक। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें रिवर्ब डाला है, और इंसर्ट में मैंने गेट डाला था नॉइस फ्लोर को हटाने के लिए। फिर फ्रिक्वेंसी से जो खराब फ्रिक्वेंसीज थे उसको मैंने हटाया पहले, और वो हटाने के बाद जो कंप्रेशन लगाया मैं ताकि वोकल इवन आउट हो जाए। फिर फ्रिक्वेंसी वापस, दिस इज़ एडिटिव फ्रिक्वेंसी एनहेंसिंग EQ। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पर अप्लाई किया था। सो ये जो रॉक ऑन वाला पोर्शन है यहाँ पे हम लोगों ने हारमोनी यूज़ किया है। सो लोअर हारमोनी एंड मिड हारमोनी इट्स यूजिंग, तो इट्स काइंड ऑफ गिविंग अ काइंड ऑफ अ फुलर साउंड। एक रॉक सॉन्ग का प्रोग्रामिंग आप कैसे इजीली कर सकते हैं? सो यू डोंट नीड फैंसी VSTs, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ट्रैक। अगर आपके पास म्यूजिकल नॉलेज है प्रॉपरली, प्रॉपर म्यूजिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना आता है अगर आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक थ्योरी अगर आपको प्रॉपरली पता है और यू नो द इंस्ट्रूमेंट्स, देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। म्यूजिक थ्योरी के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल सीरीज बना के रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही था। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको आप फ्रेंड्स के साथ। और अगर ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, बहुत सारे अरेंजमेंट ब्रेकडाउन्स मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं, I would invite you to have a look on my channel. और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको मुझसे क्लासेस करना है, वन टू वन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, वन टू वन गाइडेंस आपके नीड्स के ऊपर बेस करके प्रोवाइड किए जाते हैं। यू कैन जस्ट सेंड मी अ मेल टू studio.nankolkata@gmail.com। तो इस एपिसोड में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप रॉकिंग एंड कीप प्रोड्यूसिंग।